गाइज आजकल आप लोग नोटिस कर रहे होगे मम्मी का व्लॉग नहीं आ रहा है। मम्मी व्लॉग क्यों नहीं आ रहा है आपका? मतलब कोई रीजन? पहाड़ों में जो है भाई धान की कटाई शुरू हो चुकी है देखो। और आज आप लोगों को जो है दोबारा से द यूके 7 राइडर के छोटे भाई से मिलाने वाला हूँ। तो ये हमारे बाबू यहाँ का पिछड़ा हुआ भाई, आज तो कर दो यार। ये अब देखो भाई, अब जाके पहचानो लौटने को, बिल्कुल लग रहा नहीं लग रहा है, पिछड़ा हुआ भाई है भाई ये। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई हमारी कल की वीडियो की जो मैंने डाली थी अनसब्सक्राइब मी वाली। तो काफी लोगों ने जो है बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, बहुत अच्छे अच्छे आप लोगों ने कमेंट्स करे और काफी लोगों ने जो है अनसब्सक्राइब करके दोबारा से सब्सक्राइब भी किया। तो सबको जो है तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ लोगों ने जो है अनसब्सक्राइब भी कर दिया है, बट कोई बात नहीं, मेरे को उस चीज से ज्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है क्योंकि अपने को जो है ना भीड़ नहीं बढ़ानी है, अपने को ऐसी जनता चाहिए जो अपने को प्यार करे, सपोर्ट करे दिल से। सिर्फ नंबर से कुछ नहीं होता, क्योंकि आप लोग देख ही रहे हो 37K सब्सक्राइबर्स और व्यूज कितने हैं, 3K 4K 5K है ना। तो चलो छोड़ो ये सारी बातें, फिलहाल का सीन कुछ ऐसा है कि मैंने अपने चैनल का लोगो भी और जो चैनल आर्ट है वो भी चेंज कर दिया है। तो आप लोग बताना कि वो कैसा लग रहा है। और अभी जो है ना मैं अपना भी हुलिया चेंज करने वाला हूँ, मतलब कि दाढ़ी और बाल मेरे को ट्रिम करवाने हैं, बहुत ज्यादा बड़े हो गए यार। तो अभी चलते हैं मार्केट की तरफ, कुछ नया सा अपना लुक रख के आएंगे आज। तो अभी टाइम हो चुका है भाई 12:30 और पहाड़ों में जो है भाई धान की कटाई शुरू हो चुकी है। देखो लोग खेतों में लग गए अपने अपने। गाइज आजकल आप लोग नोटिस कर रहे होंगे मम्मी का व्लॉग नहीं आ रहा है। मम्मी व्लॉग क्यों नहीं आ रहा है आपका? बड़ी टेंशन में हूं, क्या व्लॉग डालूं? तो रीजन बताना चाहोगे मेरे व्लॉग पे या अपने व्लॉग पे बताओगे? अरे बताऊंगी, कभी अपने ही व्लॉग पे बता दूंगी, क्या करूं। जब इच्छा होगी, जब दिल अच्छा होगा उसके बाद ही डालूंगी मैं ब्लॉग। अभी मेरे ब्लॉग डालने का कोई रीजन नहीं है, डालूंगी कुछ टाइम बाद, लेकिन जब मेरा मूड ठीक हो जाए। तो दोस्तों मम्मी जो है आजकल थोड़ा सा परेशान है घर की चीजों से और अपनी वैसी चीजों से, इस वजह से मम्मी आजकल व्लॉग अपलोड नहीं कर पा रही है। रीजन वाली वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा मम्मी के चैनल पे कि क्या सीन चल रहा है अभी फिलहाल, बाकी जो नॉर्मल व्लॉग्स हैं वो मम्मी कुछ टाइम बाद डालेगी। चलो फिर मम्मा मैं मार्केट आता हूँ। ओके ठीक है बाल बाल कटवा के आता, बहुत दिन हो गए, बड़े गंदे हो रहे बाल मेरे, जल्दी आना। मेरे को बिल्कुल मेरे बाल पसंद नहीं आ रहे हैं, दाढ़ी भी बहुत बड़ी हो गई है ना। तो कटवा लाता हूँ, थोड़ा सा हैंडसम स्मार्ट सा बन के आता हूँ। और आज आप लोगों को जो है दोबारा से द यूके 7 राइडर के छोटे भाई से मिलाने वाला हूँ, क्योंकि अपना सैलून वाला तो वही है। जल्दी आना बेटा, वहाँ एक खेत में धान पक रखे हैं, मैं उन्हें काटती हूँ। ठीक है, धान काटने जा रहे हो? हाँ। ओके, तो अपनी धान की कटाई भी है भाई आज, तो मम्मी अभी जा रही है, मैं मार्केट से होकर आता हूँ, फिर लेके जाऊंगा आप लोगों को खेत में, वहाँ धान काटेंगे हम। ठीक है, तो करीब आधा घंटा हो चुका है यार वेट करते हुए, पर बस नहीं आ रही है, तो इसलिए मैंने कहा पैदल ही निकल लेता हूँ, अगर कोई मिल जाएगा तो सही है, उसके साथ निकल जाऊंगा, नहीं मिला तो फिर बस का ही वेट करेंगे भाई। और ऊपर से हमारी बारिश भी जो है वो दावत देने वाली है, तो इसलिए जल्दी करना पड़ेगा। तो अपने को नीचे आने का फायदा हो गया, अमित भाई के साथ जाने का मौका मिला स्कूटी में, चलो बढ़िया हो गया, बस का सफर नहीं करना पड़ेगा, स्कूटी में जाएंगे मजे से। यहाँ पर तो बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, यहाँ पे हल्की सी धूप आई है और हल्की हल्की हवा चल रही है, ऊपर तो बारिश वाला सीन हो रहा था। तो चलो भाई मैं चल रहा हूँ बाल काटने के लिए, उसके बाद अमित भाई के यहाँ कुछ काम करना है, इनकी लाइट खराब हो रही है तो वो आके देखेंगे। तो यहाँ पर दिक्कत क्या आ रही है, देखो आवाज़ आ रही है, सुनाई दे रही है, अंदर जो है आग लग रही है, तो अभी इसको हम खोल के देखेंगे यहाँ पे क्या दिक्कत है। तो अब इसको निपटाने के बाद ही जाएंगे भाई बाल कटवाने के लिए, पहले इसको देख लेते हैं, टेस्टर भी पेचकस भी दोनों दे दे। चलो तो अमित भाई का काम हो चुका है समाप्त दोस्तों, थोड़ा बहुत फॉल्ट था मैंने कर दिया क्लियर, अब जो है मैं निकलता हूँ अपने काम के लिए। वैसे मैं ऐसे स्मार्ट लग रहा हूँ, ये बाल काट के लगूंगा ये बताना, बिफोर एंड आफ्टर। ओके, और ये हमारे अमित भाई की बाइक जो है वो सेलिंग पे है भाई, अगर किसी को चाहिए तो आप लोग बता देना। वैसे आप लोग को अच्छी लग रही है लग रही है बताओ, नहीं तो हम ही खरीद लेंगे, अपने को भी तो राइडिंग के लिए चाहिए। छोटू मेरी जान, हेलो हेलो। तो ये हमारे बाबू यहाँ का पिछड़ा हुआ भाई, आज तो दाढ़ी वाड़ी छोटी कर दी, बाल बाल छोटे कर दिए यार, क्या बात है। अब चलो अब हमारे कर दो फटाफट से दाढ़ी बाल छोटे। तो भैया छोटू भाई की शॉप में आ गए हैं और अब करवाते हैं अपने बाल कट। तो जो लोग नए आए हैं चैनल पे उनको बता दो हमारे छोटू भाई हमारे बाल बाल काट ले, और डिट्टो हमारे अनुराग भाई की तरह लगते, देखो बाल बाल खुद। अब ये देखो भाई, ये देखो, अब देखो भाई, अब जाके पहचानो लौंडे को, बिल्कुल लग रहा नहीं लग रहा है, बिछड़ा हुआ भाई है भाई ये, मुझे लगता है मेले वेले में बिछड़ गए हैं कहीं पे, तो ऐसा दाढ़ी और बड़ी हो जाएगी ना उसके बाद, सेम टू सेम हाइट ले लो, वेट ले लो, फेस ले लो, सेम टू सेम। तो चलो अब हम भी अपने जो है हेयर्स वगैरह कटवा लेते हैं, दाढ़ी वाड़ी छोटी करवा लेते हैं, फिर देखते हैं अपन कैसे लगते हैं। तो भाई फाइनली जो है अपना हेयर कट हो चुका है और देखो अब कैसा लुक आ रहा है निकल के। तो अभी आप लोग बताओ कि आप लोगों को कैसा लुक लग रहा है पहले का और अभी का, कितना डिफरेंस है, बाल कटवा के सही लग रहा है लग रहा है? बाहर जो है मौसम बारिश वाला हो गया है, तो थोड़ा देर बैठेंगे भाई यहीं पे आराम से, गप गप मारते भाई के साथ, उसके बाद निकलूंगा भाई घर को, क्योंकि घर पे भी धान वान मारने भी बहुत काम है, पर थोड़ा देर यहाँ पे बैठते हैं। और लुक तो गजब आ रहा है यार, मेरे को तो अच्छा लग रहा है, वैसे मेरे को तो बढ़िया लग रहा है,
पहले बहुत ज्यादा दाढ़ी हो रही थी ना, अभी एकदम प्रॉपर सही लुक आ रहा है। तो गाइस यहाँ पे बैठे बैठे अपने को एक सरप्राइज मिल गया कि अपना कमल आ चुका है, देखो मुझे पता ही नहीं चला कि कभी पहुंचा और ये सीधा यहीं पे आया है। वाह बेटे वाह, मौज कर दी। चलें फिर छोटू भाई, चलें। तो चलो भाई अब निकलते हैं यहाँ से, बाहर जो है ना अंधेरा हो गया, बिल्कुल बारिश वाला सीन हो गया है। तुम दाढ़ी बनाओ, बाल बनाओ, पैसे देने क्या? पैसे देने हैं। देने पैसे? पैसे यार इतनी वीडियो बना रहा हूँ भाई, पैसे मांग रहा है, देखो तो ये पैसे देना पड़ेगा। चलो यार पैसे देते हैं, भाई को पैसे देते हैं। तो अंकल जी स्प्लेंडर लेके केदारनाथ बद्रीनाथ जा रहे हैं। हटिए जरा स्प्लेंडर दिखाइए मुझे, ये देखो भाई स्प्लेंडर से केदारनाथ। हमको भी ले चलो अपने साथ। चलो है अकेले हो? गाड़ी खाली है। गाड़ी खाली है, दो खाली है। अरे यार चल चले जाए भी केदारनाथ चले। अभी आप कहाँ से आ रहे हो? आ कहाँ से रहे हो? लखनऊ से। तो अंकल जी लखनऊ से भाई केदारनाथ जा रहे हैं, देखो स्प्लेंडर में मजा आ गया, बहुत बढ़िया। अंकल जी देखो लखनऊ से कितनी गाड़ियां आई हैं, इतनी सारे लोग जा रहे हैं भाई, देखो जबरदस्त यार। और ज्यादा स्प्लेंडर पे ही हैं लोग बाग। एक आठ वो भी स्प्लेंडर है। चल भाई हम कब जाएंगे? हम जब जाएंगे। थारा भाई कमल आ चुका है भाई, अब इसके साथ हम चलते हैं घर को। ये धान मारने के लिए आया मेरे भाई, ये क्या यहाँ तो बारिश आने लग गई है। चलो चलो चलो। तो भैया फाइनली हम लोग घर पे पहुंच चुके हैं, और पता नहीं ऐसा क्यों होता है ना, हम जब भी मार्केट जाते हैं मेरे को जाने के वक्त भी कोई मिल जाता है, आते वक्त भी कोई मिल जाता है। तो अभी भी हम आ गए थे अपने गांव के किसी के साथ, तो फ्री में आ गए और जाते वक्त भी फ्री में गए, सही हो गया। बाल कटाई भी हो गई और काम भी हो गए जो भी थे मार्केट के, और कमल भी आ गया। तो अब घर चलते हैं, यहाँ पे तो बारिश हो रही है। मम्मी कहाँ गई होगी खेत में, अगर गई भी होगी तो वो आ गई होगी। चुनू चुनू तेरा बिरादर आया, तेरा बिरादर आया। गाइस घर पे आए और घर पे बिल्कुल लाइट नहीं है, मेरा फोन स्विच ऑफ होने वाला है, अब क्या करें हम यहाँ। एक तो इतनी बारिश हो रही है, ऊपर से लाइट नहीं है। मेरे तो फोन चार्ज है। मेरे फोन में लाइट ही नहीं है यार, नहीं मेरे घर में लाइट ही नहीं है। तो गाइस यार 2% चार्ज है फोन पे और लाइट बिल्कुल भी नहीं आई है, तो देखते हैं कब तक लाइट आती है। अगर लाइट आएगी तो फोन चार्ज लगाएंगे, नहीं आएगी तो फिर पता नहीं क्या हो सकता है, फिर अब देखते हैं। अभी बैटरी है दोस्तों, मैं आपको चाय पीते हुए दिखा रहा हूँ कि मैं चाय पी रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं नीचे जा रहा हूँ, नीचे किसी के पास मुझे इन्वर्टर मिलता है तो वहाँ चार्ज लगा लूँगा फोन में। ये ले लिया भाई हमने अपना चार्जर और दूसरा फोन, ये जो है ना पावर बैंक का काम करता है, इसलिए मैं इसको लेके जा रहा हूँ, इसको भी चार्ज कर लाऊंगा साथ साथ में। तो गाइस फाइनली हम अपना फोन चार्ज करके ले आए और लाइट अभी तक नहीं आई है, तो अब सही हो गया हमारा एडिटिंग के लिए। ओइजा हम घर पे पहुंचे दोस्तों, लाइट भी आ गई। ये क्या हुआ हमारी इतनी मेहनत चकनाचूर, हम पिछले 2 घंटे से रोड पे खड़े हैं भाई फोन चार्ज लगा के, हमने कहा वाह यार क्या है। चलो कोई नहीं, घर आके लाइट आ गई है, आराम से अपना लैपटॉप चलाते हैं भैया मजे से बिल्कुल। तो दोस्तों फिलहाल का सीन कुछ ऐसा है कि कमल लग गया भैया हमारा मम्मी के काम पे, और मैं जो यहाँ पे अपना सॉन्ग बना रहा हूँ, मैंने एक रैप सॉन्ग तैयार किया है, मतलब छोटा सा एक सेक्शन, आप लोगों को सुनाऊँ नहीं सुनाऊँ क्योंकि अभी वो रॉ है, ज़्यादा मिक्स भी मैंने नहीं किया है, बस ऐसी लेयर्स बना के बीट बना के तैयार कर रखा है, मतलब कि ऐसी मजे में फन में मैंने लिखा और फन में मैंने रिकॉर्ड करा और म्यूजिक भी बना दिया। मुश्किल से 1 घंटे का काम मेरा है, सही लग रहा है मुझे, थोड़ा साउंड सही कर रहा है ये। गाइस सॉरी मैं आप लोगों को जो है अपना ओरिजिनल सॉन्ग नहीं सुना सकता हूँ अभी, क्योंकि मैं इसको प्रोसेस कर रहा हूँ, और जब मैं इसको प्रॉपर पूरा रेडी कर लूंगा ना, मेरे को बहुत अच्छी वाइब आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। चलो फिर फिलहाल तो अब डिनर का टाइम हो रहा है और मजा आया सॉन्ग बना के, बहुत मजा। तो दोस्तों फाइनली हमने सब कुछ निपटा लिया और अब जो है ना हम सोने के लिए आ गए। ये देखो एक यहाँ सो गया, एक यहाँ सो गया, दोनों सो गए। चलो जल्दी से आप सो जाते हैं और मैं जो है इस व्लॉग को एंड भी कर देता हूँ, एडिट भी करता हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पे नए आ चुके हो इधर उधर टहलते वहलते जैसे भी करके, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हमें गुड नाइट बाय।